गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं संदीप वर्मा बोल रहा हूँ, आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं अभी घर से जस्ट निकला हूँ अभी, और आज चल रहे हैं MIDC में कुछ जगहों पर, वहाँ का सीन आपको दिखाना है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। मेरे घर के आसपास का एरिया है, जिसे देख पा रहे हो कि पीछे भी ये रोड है, इस तरह जाता है नाके की तरफ, मेन रोड की तरफ, और ये इधर पे, और ये मेरा घर का रास्ता। तो बस व्यू छोटा सा था, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का बज रहे हैं 6:30। तो चलिए चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सीन आपको मैं दिखाता हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ। बताया था कल मैं केलवे के पास आया था, तो केलवे में ये सीन आपने नहीं देखा होगा जैसे दिख रहा है। ये जो नज़ारा है केलवे और सफाले के, ये सफाले जाने वाला रास्ता है, जो कि ये अदर रास्ता है, मतलब गांव से होके जाने वाला रास्ता है। और ये है ब्रिज, जो कि व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है, ऐसा देख सकते हो व्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं विलेज का एरिया दिखाते रहता हूं, तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से कुछ व्यू दिखाते हो, देखो फिर मिलता हूं। व्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुहाना व्यू है, जो कि व्यू जो देखने के बाद ना मन जो होता है ना संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, हम जो लोकेशन पे आए हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, बिलो कमेंट। और पीछे भी पूरा, ये पीछे केलवे है, और ये एरिया इधर से सीधा जाएंगे तो सफाले की तरफ जाएंगे। अगर आप केलवे आते हो तो ये रोड पर जरूर आए, यहाँ से व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो चलिए आगे इधर बढ़ता हूँ, और कुछ और सीन दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। 90% काम इसी बैलगाड़ी से हुआ करता था, जो कि अब तो समय के हिसाब से बदलाव होते जा रहे हैं, लेकिन पहले 99% काम जो कि बैलगाड़ी से हुआ करता था। और आज भी अधिकतर काम जो गांव खेड़े में है वो बैलगाड़ी से ही होता है, ना कि गाड़ियों से। काफ़ी अच्छा व्यू है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, और यह काम को भी आसान करता है, समय लेता है ले काम को आसान कर देता है। तो मेरे पीछे जो गाड़ियाँ जो आ रही है, ये गाड़ियाँ जा रही है सफाले की तरफ, और जो गांव है बहुत खुशहाल गांव है। तो विलेज में ना बहुत खुशियाँ हैं, मनोप्राण बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत खुशी आया। अगर आप विलेज एरिया घूमते हो ना, आप खुश रहोगे। जैसे कि आप लोकेशन देख पा रहे हो, जो कि दूर दूर तक जो है ना, आपको मैं जूम करके दिखाता थोड़ा। ये जो एरिया है जो बहुत खुशनुमा एरिया है, यहाँ पे हमेशा शांति, और क्या बताओ आपको इसके बारे में, जो कि व्यू देख कैसा लगता है कि दिन रात यही पड़े रहे और इस वादियों में घूमे रहे। चल रही है और मधुशी जैसा ऐसा लग रहा है कि हम बैठे और एक नींद मारे आगे की तरफ पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बने रहो। सही लग रहा है कि हजारों वर्ष से ज़्यादा पुराना पेड़ है, ये देखने के लिए भी अब नहीं मिलता, जैसे आप देख पा रहे हो इसके नीचे से लेके ऊपर तक शाखाएं पूरी फैली हुई है। वर्ष से ज़्यादा पुराना पेड़ लग रहा है मुझे, जैसे दिख रहा है आपको ऊपर नीचे नीचे तना देखे, तो मैं फ्रंट कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, देखो जरा लग रहा है कि हजारों वर्ष पुराना ये पेड़ है। यहीं से करते हैं, पेड़ के पास से वीडियो की एंडिंग भी कर देते हैं, एंडिंग भी यहीं पे कर देते हैं, जो कि पेड़ जो कि हजारों वर्ष पुराना पेड़ है। केलवे का सीन है, केलवे सामने जो सीधा रास्ता जा रहा है, पीछे की तरफ वो जा रहा है सीधा केलवे मंदिर की तरफ।